मैथ मस्ती में आप सबका स्वागत है। मैथ मस्ती में मैं कृष्णा आपका साइंस कैलकुलेटर आपके लिए लेकर आया हूँ पोटेंशियल एनर्जी और उससे संबंधित कुछ प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में इंक्लूडेड किया गया है कार्य और पावर से संबंधित कुछ प्रश्न भी रहेंगे जिसमें कि आपको काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ठीक है ना, नीचे एक रेड कलर का बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको प्रेस कीजिए और बगल में घंटी आएगी उसको दबा दीजिए, ठीक है। इससे ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है, और आप हमसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो बस यही है हमारा आपके बीच का रिश्ता, ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी वर्ड है इसका मतलब क्या, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहां पर हम जानेंगे किसी वस्तु में या फिर किसी वस्तु के स्थिति में, स्थिति लिखे यहां पर, ठीक है, स्थिति, ठीक है, किसी वस्तु के स्थिति के कारण, किसी वस्तु के स्थिति के कारण ऊर्जा, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु में जो ऊर्जा होगी अगर वो उसके स्थिति के कारण होती है तो हम ये बोलेंगे कि वो वस्तु में कौन सी एनर्जी है, उस वस्तु में स्थितिज एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, स्थितिज, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई। बस आपको इतना याद रखना है कि किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, क्या बोलना है, किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अभी स्थिति क्या होती है, देखिए यहां पर स्थिति का मतलब है उसका पोजीशन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर किसी पहाड़ पर हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका पहाड़ है, ठीक है, और इसका ग्राउंड लेवल है, यहां पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो इसकी जो हाइट है ना ग्राउंड लेवल से कुछ तरह ही होगी ना, मान लीजिए इसका हाइट h है, ठीक है, तो ये जो पत्थर है वो धरातल से, इसको मान लीजिए धरातल मान लीजिए, ये धरातल से h हाइट पर है, h हाइट पर है, मतलब ये इसकी कुछ स्थिति क्या है, अलग है, यहां से तो बिल्कुल अलग, यहां पर इसकी जो स्थिति है इस लेवल से यहां तो अलग ही है ना, ठीक है। तो इस पत्थर में क्या होगा, एक स्थितिज ऊर्जा मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी मेरे को, एक स्थितिज, एक स्थितिज ऊर्जा मिलेगी, क्यों, क्योंकि जो ऊर्जा है वो इस पत्थर के स्थिति के कारण हुई है। और मान लीजिए एक झरना है, मान लीजिए बहुत बड़ा डैम है, एक झरना है, उसमें पानी रुका हुआ है, उसमें पानी रुका हुआ है, तो पानी क्या है, पानी में कौन सी एनर्जी होगी, वो भी स्थितिज ऊर्जा ही होगी, ठीक है। एक पेड़ पर कुछ फल लगे हुए हैं तो जो फल है उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो अभी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा और समझते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है इसका हम फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सुनिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे कितना मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, यह तो ग्राउंड लेवल है, यहां पर यह ग्राउंड है, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो जो भी है आप कर रहे हो, तो आपका मन किया कि एक पत्थर रखा हुआ है, इसको उठाते हैं, इसको मान लीजिए उठाते हैं और अब उठा के इसको यहां लेकर चला है, इस पत्थर को यहां लेकर चला है, तो आपने क्या किया, मान लीजिए ये जो पत्थर है इसका मास कितना है, एम है, कितना है, एम, तो आप इस पत्थर को उठा के यहां लेके चला है, अब ये पत्थर यहां आ गया, पत्थर अभी है यहां, उसका मास तो सेम रहेगा, लेकिन देखिए जब आप इस पत्थर को उठाएंगे, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, इस पत्थर पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, इस वस्तु का वजन होगा, ठीक है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं एम लगेगा और एक इस पर ग्रेविटी का वैल्यू जी हो गया, ठीक है, ये नीचे वर्क करेगा, लेकिन हमें तो इस पत्थर को ऊपर लेके जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, ठीक इसके उल्टे साइड में हम एक और फोर्स लगाएंगे और मान लीजिए मैंने उस फोर्स को एफ लिख दिया। अब यहां पर एक कंडीशन आप देखिए आपके लिए, अगर मैं ये बोलू कि जो एफ है, ये जो फोर्स हमने ऊपर लगा रखा है, ये एफ और ये एम जी दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है, तो
इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा ना कि सिर्फ आप इस पत्थर को ऐसे उठा के रख सकते हैं, ऊपर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हो और जो नीचे फोर्स लग रहा है, बल दोनों बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, आप सिर्फ इसको होल्ड कर सकते हो, मतलब इसको पकड़ के रख सकते हो, आप इसको उठा नहीं सकते हो। तो अगर आपको उठाना है ना, उठाना है, तो आपको नंबर केस टू में क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को इस एमजी से बड़ा दिखाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर F is equal to mg है, इसका मतलब आप इस वस्तु को सिर्फ पकड़ के रख सकते हैं, ऐसे करके उसको उठा नहीं सकते हैं, ठीक है। उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब ना उठा पाएंगे। तो बस लगा दो ज्यादा बल तो ये उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम सवाल करेंगे ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के आप याद रखिएगा, लेकिन आपको लिखना यही वाला है। क्यों? ये साइंस से भाई, यहां पर हम लोग बस थोड़ा बहुत मांग चलते हैं। तो F is equal to mg आपको यूज करना है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और सुनिए, हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाया ना, तो हम ये मान लेते हैं कुछ हाइट है, मान लो हाइट कितनी है, यह हाइट h है, हमने इसको h हाइट तक ले गया, ऊंचाई तक ले गया। यह h मतलब क्या है, यहां पर h मतलब आप इसको ऊंचाई लिख लीजिएगा, ये ठीक है, क्या ये आपकी ऊंचाई है, हमने इसको ऊंचाई पर ले गया। तो अब यहां पर केस क्या होगा, हमने यहां पर इस वस्तु को यहां से यहां लाया, तो हमने कुछ काम किया होगा ना, कार्य किया होगा, तो हम कार्य को W लिखते हैं, फोर्स को क्या लिखते हैं, F into S लिखते हैं। आप सुनिए, यहां पर फोर्स मतलब बल कितना है, mg है, तो यहां पर आप mg लिख दीजिए, लिख दिए हैं, बहुत बढ़िया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट, वस्तु कितना ऊंचा गई है, h हाइट पर गई है, कितने हाइट पर गई है, h हाइट पर, तो अब भी आपको मिल जाएगा mgh, कितना मिल गया, mgh। अभी जो mgh क्या है, ये वर्क है, क्या है वर्क, तो हमको वर्क क्या मिल गया, वर्क मिल गया mgh। लेकिन हमें तो निकालना था पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा निकालना था, और हमने क्या निकाल लिया, हमने तो वर्क निकाल लिया। अब ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल देखिए, आप जो काम किए ना, आप जो काम किए, तो वो जो काम कर रहा है एनर्जी था, तो अब वो जो एनर्जी मतलब ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, किस में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ वर्क नहीं है, क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसको आप बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज क्यों बोलेंगे भाई, स्थितिज हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है, क्यों हुई है, वस्तु के स्थिति के कारण, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जो फॉर्मूला है ना, W इक्वल टू mg, इसको बगल में थोड़ा लिख लीजिए, PE पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और E फॉर एनर्जी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो थोड़ा आपको आगे लेके चलते हैं और हम बताते हैं कि और आपको क्या करना है। अब देखिए, अब थोड़ा बात करेंगे इसकी यूनिट पर और इसका डायमेंशन पर, ठीक है। डायमेंशन और यूनिट, ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी क्वांटिटी के लिए। तो अगर मैं बात करूं यूनिट का, ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई मतलब बोलते हैं ना यूनिट, इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। तो जो यूनिट वर्क की होती है ना, जो यूनिट वर्क की होती है वही यूनिट पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको क्या बोलते हैं, जूल बोलता है, याद है कि नहीं याद आपको, जूल बोलते हैं। क्यों, वर्क क्या है, अरे भाई वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, तो क्या इसका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। अब ये सेम होगा, इसको आप बात को मानेंगे कैसे, देखिए एक रूल होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इक्वल होता है, डीमा के तौर पर अगर दो राशि इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं आपको वर्क का डायमेंशन सिखा दिया होगा, देखिए अभी निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, उसके बाद आपको लिखाएंगे। देखिए यहां लिखिए डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये बीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बीमा है। तो कैसे निकाल देंगे, तो पहले लिखिए फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, ठीक है। हमने जो डायमेंशन लेते हैं उसमें तीन क्वांटिटी मेंशन करते हैं, क्या करते हैं, एक एल,
एम और एम एल और टी करते हैं, एम एल और टी करेंगे, ये तीन चीज आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या क्या मेंशन हो सकता है, जो एम है ना, हम एम को यहां पर मास के तौर पर एम लिख लेंगे, ये मिल गया आपको, बहुत बढ़िया। ये जो जी है ना, जी मतलब क्या, यहां जी मतलब एक्सलरेशन, क्या ये त्वरण है, यह त्वरण, ये त्वरण है, और त्वरण क्या होता है, वो होता है भी बाई टी। तो ये बस सुनिए एक बार, हम लोग ए, ए मतलब एक्सलरेशन होता है, वो होता है भी बाई टी, और हम लोग भी को क्या बोलते हैं, भी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और एक टाइम हो गया, इसका मतलब एस बाई टी स्क्वायर, एस को बोलते हैं एल, टी मतलब टाइम टू, आपका जो ए है ना, ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी के पावर माइनस टू, ये सिर्फ ए का है, और ए मतलब क्या, जी, दोनों सेम क्वांटिटी है यार, ठीक है ना, देखो जी मतलब ही त्वरण है और ए मतलब ही त्वरण ही होता है, तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, ये सिर्फ हो गया जी के लिए, ठीक है। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जी का डायमेंशन क्या होता है, आप सीधा सीधी एक्सेलरेशन का डायमेंशन को बोल देंगे, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। फिर क्या होता है एच, अब एच मतलब क्या, हाइट, और हाइट आप किसे मापते हैं, लेंथ में मापते हैं, तो आपका ये एल हो गया, ठीक है। तो अब देख क्या मिल गया आपको, मिल गया यहाँ एल कितने बार, दो बार है ना, तो एल स्क्वायर आपका एम, या एम एल से ऐसे कर लिख लीजिए, एम एल दो बार और टी माइनस टू बार, ठीक है। तो आपको शायद पीछे याद होगा ना कि जो डायमेंशन वर्क का आया है वही डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी का भी आया है, इसका मतलब जो वर्क है और जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों ही एक ही चीज है, दोनों क्या है, एक चीज है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया, इसीलिए जो एनर्जी वर्क की होगी, जो मतलब इकाई जो वर्क होगा वही इकाई पोटेंशियल एनर्जी का होगा, वही काइनेटिक का भी होगा, ठीक है, याद रखिए इस बात को, जितनी भी एनर्जी है वो सारे वर्क के फॉर्म में ही लिखे जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा, और इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये डायमेंशन को। चलिए आपसे क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद थोड़ा बात करेंगे। देखिए पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को आप ग्राउंड फ्लोर से उठा करके सेकेंड फ्लोर पर लेके आ गए, कितने लगे, सेकेंड फ्लोर पर लागे। अब जो सेकेंड फ्लोर की जो हाइट है मान लीजिए 10 मीटर है, फिलहाल मैं इतना मान लेता हूं, मुझे आइडिया नहीं कितना होता होगा, 20 फीट जो होता हो, आप 10 मान लीजिए, हम इसको 10 मीटर हाइट पे लेके चले आए, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट थी मान लीजिए 35 केजी की है, 35 केजी की एक वस्तु है जिसको आप उठा करके कहां लेके चले गए, सेकेंड फ्लोर ला दिए, मतलब आप यहां ला दिए। तो आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाने में आपने कितना कार्य किया, आपने कितना कार्य किया। तो कार्य कैसे निकालते हैं, बस आप कार्य निकाल लीजिए, कार्य को हम लिखेंगे W, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का रूल लगाएंगे। अब देखिए यहां पर फोर्स कितना लिखेंगे, ये 35 किलो की वस्तु थी, तो जो 35 किलो की वस्तु थी ना, तो क्या होगा, इसके नीचे इसका वेट काम करेगा, दैट इज W होता है ना, वेट, वेट फॉर W लिखिए, WT लिखिए वेट, और ये होगा आपका MG, वेट मतलब भार, ठीक है ना, इसको हम भार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये MG नीचे काम करेगा, अब इस फोर्स को हम अगेंस्ट एक फोर्स काम करवाएंगे ऊपर ले जाएंगे, अभी मैंने लिखा है यहां पर, तो कितना हो जाएगा, ये फोर्स हमने कितना लगाया, MG के बराबर, तो ये आपका MG हो गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो तो आपको H दिया रहेगा, तो आप यहां पर एस लिख लीजिए। अब देखिए एम कितना है, 35 केजी, कितना है, 35 केजी एम है। उसके बाद बचा जी, अब देखिए जी का जो वैल्यू होता है ना, वो लेने में लोग घबराते हैं, ठीक है। जो जी का जो वैल्यू है, हम इसका दो वैल्यू लिखेंगे, एक लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, इसको बोलेंगे SI सिस्टम है, किसमें, SI सिस्टम है ये, और जी के वैल्यू लिखेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसमें, CGS में लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, अगर कहीं पर आपको नहीं दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं पर जी के वैल्यू नहीं दिया हुआ, नहीं मेंशन किया होगा,
तो आप इस 9.8 को पुट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि जो आंसर है, अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो पक्का आप 9.8 ही पुट करना, ठीक है। अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है आप 9.8 पुट करना, अगर पॉइंट में नहीं आ रहा है तो इस 9.8 को 10 मान लेना, ठीक है ना, इसको 10 मान लेना बस। तो मैं ये भी यहां पर करने वाला हूं, मैं इस जी का वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेने वाला हूं। कितना? 10 मान लिए इसको, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिए। उसके बाद इंच कितना है? 10 मीटर पर गए हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 10 कितना हो गया, 135, तो 35 और ये आपका 200 हो गया, और ये वर्क है ना, तो वर्क क्या बोलते हैं? जूल। अब हमने इस वस्तु को यहां से यहां लाने में कितना वर्क कर दिया? 3500 जूल, मतलब 3500 जूल काम कर दिया। लेकिन आप जो यहां जो काम किए है ना, अब जो एनर्जी खर्च किए हैं, वो एनर्जी किस में बदल गई है? क्यों? देखिए ऐसा इसलिए होता ना कि आपने रूल सिखा कि हम एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी के अंदर भी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना। तो आपने जो एनर्जी खर्च की होगी दो तले बिल्डिंग पर चढ़ने में, वो एनर्जी किस में चली गई? वो चली गई इस पत्थर में। और किस फॉर्म में चली गई? वो चली गई स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में चली गई, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो गई, मतलब चली गई, स्टोर्ड हो गया, उसमें जाके जमा हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर तो आपने कितना एनर्जी खर्च किया होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बराबर 3500 जूल, ठीक है। ये रहा आपका इस सवाल का जवाब, ठीक है। तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं ना कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए पोटेंशियल एनर्जी का, आप इस 9.8 के वैल्यू थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि वैल्यू आपको खुद से चूज करनी होती है। अगर कहीं दिया हुआ तो बस आप उसके अकॉर्डिंग पुट करो, अगर नहीं दिया हुआ तो खुद आपसे करना पड़ेगा। इसके बाद बस हर बार आपको ये ध्यान रखना कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाना है, फोर्स इंटू बल इंटू विस्थापन लगाना है, बाकी बात आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और आपको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? क्वेश्चन है, 1 किलो मात्रा को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही आपका ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही है। देखिए आपको बोला क्या गया है, बोला गया है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए इसका रिफरेंस प्लेन है ये, ठीक है, ये इसका लेवल है। अब यहां से मैं इस वस्तु को ऊपर ला रहा हूं, ठीक है, और वस्तु का वजन कितना है? 1 kg, ये 1 किलोग्राम की वस्तु है, इसको हम ऊंचा ला रहे हैं, और कितना ला रहे हैं ऊंचा लाए, इसकी जो हाइट दी हुई कितनी है? 9.8 मीटर इसका हाइट दी मैंने आपको, ऊंचाई कितनी दी हुई है? 9.8। आपसे पूछा है कि इसको यहां से यहां लाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, तो हमने कार्य के बराबर क्या सीखा है, हम इसको W लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन लिखेंगे। अब देखिए अभी मैं जस्ट बोला ही आपको कि जो वस्तु है नीचे काम करेगी कितना करेगी, m इंटू जी के बराबर, m इंटू जी के बराबर, तो बस m इंटू जी पुट कीजिए, मान लीजिए आपका m इंटू जी हो गया और s रहने दीजिए। अब m का वैल्यू कितना है? 1 kg पुट कीजिए। देखिए अब यहां जो ऑप्शन था ना आपको जो दिया हुआ था वो सारे पॉइंट्स में थे, सारे पॉइंट में थे, तो हम क्या करते हैं यहां पर जो g का वैल्यू है, हम जो g का जो वैल्यू उसको हम लोग 9.8 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, हम इसको 9.8 मान लेते हैं, तो यहां जी का वैल्यू पुट कीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई भी तो 9.8 ही है, तो यहां पे 9.8 कर लो। अब देखो क्या हो गया, 1 × 9.8 9.8 ही होता है, 9.8 × 9.8 जो आपका ऑप्शन दिया होता 9.8 का स्क्वायर, ये सही होगा, ठीक है, ये सही होगा। देखिए एक क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको मैं आपको करवाता हूं कैसे करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ ये
यदि F, यदि एक बल F वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और विस्थापन s बराबर मीटर में दिया हुआ 5j कैप i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, अब अभी जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का। F का वैल्यू यहां पर दिया हुआ आपको, देखिए फोर्स न्यूटन में है और कितना वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ आपको 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, इसको कैप पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद जो s है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मीटर में है और जो उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो इस केस में आपका जो बल होगा ना कार्य होगा कितना होगा आपको निकालना है। देखिए तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका है, तरीका तो बिल्कुल ही सेम है आप जो जानते हैं। देखिए अगर आप लिखेंगे वर्क तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, ये हमने सीख लिया पहले से, लेकिन यहां पर जो वैल्यू है ना आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करना एक अलग काम होता है, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। इसको करते कैसे हैं, देखिए करते हैं अपन आई, अगर लिखा हो ना आई इंटू आई होता है आई स्क्वायर, तो इसको वन लिखते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे जे कैप इंटू जे कैप दैट इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू भी वन लिखते हैं। उसके बाद के कैप होता है ना के कैप इंटू के कैप, ये भी हो जाएगा के कैप का स्क्वायर और इसको हम वन लिखेंगे। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, इसको तो जान लीजिएगा i into i i स्क्वायर का वैल्यू 1, j into j j स्क्वायर वैल्यू 1, k into k कैप जो है k स्क्वायर होगा वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहां पर देखिए तो फोर्स कितना है, फोर्स है 3i कैप प्लस 4j कैप ये 5k कैप, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको करना है तो पुट कर दीजिए डॉट दिया पर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो बस आपको वैसा ही करना है। कैसे करना है, देखिए इस i वाले का i मल्टीप्लाई करना है, 4 का 4 मतलब j का j में करना और k का k में करना है। तो बोलिए 3 इंटू 5 15, i इंटू i i स्क्वायर यानी कि i स्क्वायर प्लस दीजिए 4 चौका 16, j इंटू j j के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये 5 15 k इंटू k k स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहां से क्या दिख रहा है, मैंने अभी क्या बोला i स्क्वायर 1 j स्क्वायर 1 k स्क्वायर 1, तो वैल्यू कितना हो गया 15 प्लस 16 माइनस 15, आंसर क्या होगा 16 जूल। क्या होगा 16 जूल, तो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज 16 जूल। ठीक है, आप ऐसे कीजिएगा जब भी ये वेक्टर फॉर्म में दिया रहा है तो। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 1 ग्राम और 9 ग्राम के दो द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा रखते हैं। ठीक है, दो वस्तुएं एक 1 ग्राम की है और एक 9 ग्राम की है। ठीक है, दोनों ग्राम में है और दोनों का समान गतिज ऊर्जा है तो उसके रेखीय संवेग का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1:9, 9:1, 1:3 या फिर 3:1, या फिर 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि दो वस्तु है 1 ग्राम की 9 ग्राम की, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो बताना आपको कि इसका रेखीय संवेग का अनुपात कितना होगा। अब रेखीय संवेग का मतलब क्या होता है, संवेग मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम, तो कैसे करें इसको, देखिए हमने इससे पहले एक चीज सीख कर रखा है फॉर्मूला, क्या हमने ये सीखा था ना काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है पी स्क्वायर बाई 2m। यहां पर कहीं भी अब जो मास है यहां पर मास आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मास की बात करना होगा ना। ठीक है, आपको मास दिया हुआ है और आपको निकालना क्या, इसका मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ही बात करते हैं ना कि इसका मास में और ये
मोमेंटम में क्या संबंध है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पी स्क्वायर बराबर टू के एम, और इससे में तो मान लो ये क्या कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या होता है पी स्क्वायर बराबर एम, ये हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा देखिए, ध्यान देखिएगा, अगर ये वन है तो पी भी वन होगा, पी भी क्या होगा वन होगा। अगर एम का वैल्यू थ्री है, सॉरी क्या है नाइन है, एम कितना है नाइन, तो पी कितना होगा, इसको रूट करना पड़ेगा ना, ऐसे रूट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा पी के वैल्यू आएगा थ्री, पी कितना आएगा थ्री, तो रेशियो क्या होगा वन इज टू थ्री का आएगा। ठीक है, वन इज टू थ्री का आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्कोर मॉडिफाइड कर लीजिए, ज्यादा फिर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसको लिखिए पी वन स्क्वायर बाई पी टू स्क्वायर बराबर एम वन बाई एम टू, बिल्कुल आप कर सकते हैं आप इसको, मैंने शायद करवाया भी हुआ पर, ठीक है ना, पिछली बात में। अब देखिए M1 कितना है 1 है, M2 कितना है 9 है, और दोनों का स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिखिए P1 by P2, इसको लिखिए 1 by 9 का, इसको रूट कर दीजिए, स्क्वायर यहां चला आया, तो वैल्यू क्या मिलेगा 1 by 3। आपसे पूछा ही था P1 by P2 का अनुपात क्या होगा, तो P1 by P2 क्या होगा 1 अनुपात 2 बराबर 1 is to 3, ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, 1 to 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको सवाल ज्यादा घुमा फिरना नहीं है, बस फॉर्मूले को याद कीजिए, परफेक्ट रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी बोला है नहीं बोला है मतलब नहीं मेरे को। ठीक है, बस आपको दिया क्या हुआ संवेग और मास, तो आप इन दोनों को पकड़ो बाकी छोड़ो। ठीक है, बाकी को छोड़िए, क्या कर रहे हैं मतलब नहीं मेरे को। ठीक है, आपको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना परसेंट बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 50%, 100%, 125% या फिर 200%। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी वस्तु का संवेग को ना 50% बढ़ा दिया गया, संवेग बढ़ाया गया 50%, तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कितना का बदलाव आएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको बात किया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, तो कहीं भी मास का बात नहीं किया गया ना, बिल्कुल नहीं किया गया। ठीक है, तो यहां लिखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिखिए, बटे में जो था ना 2m, इसको गोली मारिए, ये कुछ काम का ही नहीं है बेचारा, जब इसके बारे में बोला नहीं गया तो लिखिए कि इसको, ठीक है ना, बिना मतलब मत इसको बैठा। अब देखो तो थोड़ा इसको लाते हैं फॉर्मूला में, मान लो के वन है बाई के टू कर लो, और ये कर लो पी वन स्क्वायर बाई ए पी टू स्क्वायर कर लो, कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर लो P1 by P2 और इसका पूरे का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशियो है ना, हम ये पूरा भी मान लेते हैं। ठीक है, कि जब ये K1 100 था, K1 था 100, तो हम इसको भी मान लेते हैं 100, तो इसको 100 मान लिया, हमने पहले मान लिया मोमेंटम कितना था 100 ही था, अब कितना होगा, अब बढ़ गया ना, फाइनल बढ़ा है, कितना बढ़ा है 50%, एक से 50 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करो, ये आया कट जाएगा, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, तो आंसर हो गया आपका 2 by 3 का स्क्वायर, मतलब 4 by 9, ये हो गया 4 by 9। लेकिन अब एक बार देखिए, मुझे तो निकालना है कितना परसेंट बढ़ा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 में 9 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 1 में कितना का होगा, 1 में होगा 9 by 4 का, इसलिए 100 में निकाल लेते, परसेंट निकालना है ना 100 में, तो कितना होगा आपको मिल जाएगा इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 25 आएगा, 25 9 कितना होता है, 25 9 होता है 225 परसेंट है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले कितना था, हमें मान चला था 100%। ठीक है, अब कितना दिखा रहा है, 225 दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर वृद्धि कितने का हुआ है, वृद्धि हुआ 125 का, कितने का हुआ है 125 का, तो आंसर क्या होगा 125% इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आप वहां से कर सकते हैं, जितना शॉर्ट हो आप सीखिए। ठीक है, कीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर देखिएगा थोड़ा। 20 केजी के एक द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर के 2 मीटर मतलब घटा किया गया 2 मीटर पर सेकंड परिवर्तित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। एक 20 केजी का एक वस्तु है, ठीक है, उसको कोई बल लगाकर लगा दिया गया और उसका स्पीड कितना कम हो गया, पहले 5 तब कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो बोलना है कि उस बल ने कितना कार्य किया। ऑप्शन है 101, 210, 160 -160, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ और क्या क्या आपको निकालना है। पहले बात किया गया है कि इसका जो मास है, मात्रा, द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, इसको मास बोलते हैं। वो जो वस्तु है वो 20 केजी की है, ठीक है। अब उसका स्पीड क्या हो गया, मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर पहले गई होगी, उसका इस समय स्पीड मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड है, इस पर एक बल लग रहा है, स्पीड कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये पक्का हो गया ना कि इस बल ऐसे लग रहा होगा, नेगेटिव ऐसे में किधर लगेगा, अगर वस्तु इधर जा रही है तो बल पक्का है कि इस दिशा में लग रहा होगा, फोर्स इधर लगेगा, तब ना इसका स्पीड कम होगा या फिर ब्रेक लगाया गया होगा, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर चली जाती है, तो इस समय इसका स्पीड कितना हो गया, ये मान लेते हैं कि आपका 2 मीटर पर सेकंड। अब इसको यू मान लीजिए, आपका भी हो गया, ये स्पीड कम हो गया, तो पक्का है कि ये जो फोर्स लगा होगा ये उल्टा दिशा में ही लगा होगा, इस बात को मान चलिएगा। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि उस बल ने कितना कार्य किया, तो कार्य क्या होता है भाई, डब्ल्यू होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इस सब क्वेश्चन में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट का बात ही नहीं किया है, न डिस्प्लेसमेंट का बात किया है न फोर्स का बात किया है, तो आप क्या करेंगे, आप बुद्धि लगाएंगे यार, करना क्या है। देखिए आप जो कार्य करेंगे वो कार्य क्या होगा, कार्य एक ऊर्जा एनर्जी है ना, तो यहां पर किस एनर्जी की बात करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी, वस्तु चल रही है, तो वस्तु चल रही है तो हम क्या बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि इस वस्तु में कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंजिंग आया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने उतना ही वर्क किया होगा, ठीक है। तो यहां पर जो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज कैसे लिखते हैं भाई, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम मान लेते हैं फाइनल कितना होगा 1/2, तो चेंज इन काइनेटिक कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम भी वेलोसिटी फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 एम, या यू को मानते हैं इनिशियल है, कितना है इनिशियल है, तो ये देखिए सब में से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन है 1/2 एम, कॉमन हो गया, क्या बच गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ, डेल्टा के पढ़ते इसको। अब देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को मतलब वैल्यू आप पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1/2 तो बाहर रहेगा, अच्छा 20 केजी मास दिया हुआ, तो 20 केजी यहां लिख लीजिए, इनटू यहां देखिए भी आपका फाइनल ये है, तो 2 का स्क्वायर 4, यू स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, एक कट की कितना हो गया 10, तो आपको मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाई यहां कितना बचेगा 21, बिल्कुल माइनस 21, तो आपको मिलेगा यहां पर सॉल्व करके -210 जूल, बट ये कहीं भी ऑप्शन में है नहीं, -210 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। आप देखिए ये जो -210 है ना, ये ऑप्शन में होना चाहिए था, ठीक है, -210 ऑप्शन में होना चाहिए था। अब यहां पर जो माइनस है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एनर्जी कम हो रहा, नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हो रहा ना कि जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, बैकवर्ड लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके उधर, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट जा रही है इधर तो फोर्स लग रहा है इधर, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है, यहां पर हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -210 जूल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, आप एक पांचवा ऑप्शन खुद से क्रिएट कर लीजिएगा, ये तो बस आप है ही इतने इंटेलिजेंट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है। और आप एक लाइक मिलता है ना तो हम बहुत खुश होते हैं इस लाइक देकर के, कोई कोई तो लाइक कर रहा है। सो इसी उम्मीद के साथ कि हम दोबारा मिलेंगे आपसे, जल्द एक वीडियो आएगी, ठीक है। तब तक लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग।